नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 8, 9 और 11 के मॉडल पेपर को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल आई है। जी हां दोस्तों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं क्या लिखा गया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं का जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। जी हां दोस्तों, आप सभी का मॉडल प्रश्न पत्र जल्द जारी होने वाला है। दोस्तों, यहां पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है। 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। यानी दोस्तों, आप सभी का 8, 9 और 11 का जो है ऑफिशियली जो है मॉडल पेपर जो है जारी नहीं किया गया, इसलिए आप लोग टेंशन फ्री। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछ रहे थे क्या सर मॉडल पेपर जारी किया गया, जारी नहीं किया गया। यहां लिखा गया साफ साफ देख सकते हैं जारी किए जाएंगे, यानी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया। बहुत सारे गैस पेपर में जो है दिया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली जो है दोस्तों जारी नहीं किया गया। तो इन सब चीजों से आप लोग सावधान रहिएगा, ठीक है। वो सब अनऑफिशियल है, यानी वो सब गवर्नमेंट के द्वारा जारी नहीं किया गया, जैक के द्वारा जारी नहीं किया गया मॉडल पेपर है, ठीक है। साफ साफ पेपर में लिखा गया है। उसके साथ ही दोस्तों यहां पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 16 से 30 जून के बीच झारखंड अकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा, यहां लिख दिया गया। इसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं क्या लिखा गया। इससे पहले यहां पे लिखा गया, इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा, यहां लिखा गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बहुत सारे जो है आप लोगों को देखने मिलेगा वीडियोस वगैरह में कि मॉडल पेपर जारी कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे मॉडल पेपर अभी साफ साफ है कि ऑफिशियली जारी नहीं किया गया, यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग अपने स्तर से तैयारी कीजिए, किसी के बहकावे में आइए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। तीन तीन सेट में मॉडल सेट जो मॉडल पेपर जो आप लोग का जारी किया जाएगा, ठीक है। तीन तीन सेट का मॉडल सेट जो होगा आप लोग का प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आगे देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया है। सेकंड टर्म में जिस प्रकार 40-40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, उसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जो है जारी होंगे, ठीक है। इससे छात्र छात्रा आसानी से तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि 9वीं पहले टर्म की परीक्षा 5-6 मई को, 11वीं के साथ से 9 मई को, और 8वीं के यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया। 8वीं के पहले टर्म की परीक्षा 10 मई को जो है आयोजित किया गया था। आप सभी को मालूम है, आप सभी एग्जाम दिए भी है फर्स्ट टर्म का। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया। अभी पहले टर्म की OMR सीट के मूल्यांकन का काम शुरू नहीं हो सका। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म की परीक्षा के अंक जोड़कर और स्कूल से मिलने वाले आंतरिक मूल्यांकन के अंक जोड़कर आप लोग का रिजल्ट जारी होगा। यानी दोस्तों आप लोग का 40 पहला फर्स्ट टर्म का, फिर 40 सेकंड टर्म का आपका लिया जाएगा एग्जाम, ठीक है। तो पहला टर्म का आप लोग का 40 मार्क्स का हो जाएगा, सेकंड टर्म 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को जो है फर्स्ट टर्म से 10 मार्क्स इंटरनल और सेकंड टर्म का 10 मार्क्स इंटरनल, इन दोनों मार्क्स को जोड़कर आपका आंतरिक मूल्यांकन को बैठा के जो है आप लोग का रिजल्ट को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था आप लोगों का पैटर्न के आधार पर एग्जाम लेने के लिए तैयारी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा गया। शिक्षक कर रहे हैं मूल्यांकन, सिलेबस कब होगा पूरा। हाई स्कूल प्लस टू स्कूल के शिक्षक मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। कई स्कूल के तो अधिकांश शिक्षक इस काम पर लगा दिए गए हैं, ठीक है। इसी काम के लिए अधिकतर टीचर्स को लगा दिया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया, वहीं 17 मई से 4 जून तक स्कूलों में गर्मी छुट्टी निर्धारित है। आप सभी को मालूम है अभी आप लोगों का गर्मी का छुट्टी चल रहा है। इसी बीच तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया, ऐसे में 9वीं, 11वीं और 11वीं का पाठ्यक्रम कैसे पूरा होगा, यहाँ पे भी ये बात उठ रहा है, ठीक है। तो और परीक्षा का आयोजन किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर भी सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों ये था आप लोगों के लिए अपडेट। आप लोग चाहते हैं कि मैं मॉडल सेट का आप लोगों को एक एक मॉडल सेट का तैयारी कराऊं, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लासेस का जो है वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया। अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।